मैं आ चुका हूँ आज सोनपुर जंक्शन। मैं जंक्शन के ठीक सामने खड़ा हूँ और मैं जाने वाला हूँ आज पटना। यहाँ से ऑटो पकड़ूंगा और यहाँ से ऑटो जाएगी दीघा। ये है व्यू सोनपुर जंक्शन के बाहर का। हमारी सफर की शुरुआत हो चुकी है। मैं ऑटो में बैठा हुआ हूँ, वो भी आगे वाली सीट पर, व्यू लेने के लिए। और आगे आ गया है अब एनएच है ये छपरा हाजीपुर वाला। तो एनएच पर हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक और रोड मिलेगा, लालू यादव चौक एक चौराहा मिलेगा, वहां से दीघा चलेंगे। बताऊंगा नहीं तो भी आप लोग समझ ही जाइएगा, क्योंकि पुल वाले रोड पर मैं आ चुका हूँ। रोड का कंडीशन देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रोड और जगह तो है नहीं, और ऊपर से दोनों साइड हरियाली है। और एक चीज़ है, पुल पर चढ़ने से पहले ही बहुत सारे दुकान खुल चुकी है। जैसे ही आप सोनपुर जंक्शन पर उतरते हैं ट्रेन से और बाहर निकलते हैं पटना जाने के लिए, मतलब आपको सेलिब्रिटी वाला फील आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ऑटो वाले आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं बैठाने के लिए। और बहुत ही जल्द आपको पुल भी देखने को मिलने ही वाली है, वही जिस पर नीचे ट्रेन चलती है ऊपर गाड़ियाँ चलती है। और ऑटो का किराया लगा है पूरा 50 रुपये, डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर। और मैं ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बगल में ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा जो दाग दिख रहा है ये इनके शीशा का है, जो लगता है ये महीनों से साफ नहीं किए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वही पुल है, नीचे से ट्रेन चलती है वो तो दिख नहीं रही है, और ऐसे भी इस टाइम पर ट्रेन है भी नहीं। पुल पर आ चुके हैं हम लोग गाइस, और नीचे ट्रेन ऊपर गाड़ियाँ। हालांकि अभी ट्रेन नहीं है, ट्रेन चलती है तो थोड़ा बहुत डर लगता है, मुझको लगता है और किसी को लगता नहीं है। और अभी आप लोग देख रहे हैं गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही है, अभी नहीं हमेशा इस पर गाड़ियाँ कम ही रहती है। और अगर आपको जाम देखना है तो जाइए हाजीपुर से पटना वाले पुल पर। ये घंटे का सफ़र 6 घंटे में पूरा होता है, वो तो कभी कभी आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं, वरना उस पर इतना ज़्यादा जाम, ट्रेन होगा ट्रेन छूट जाएगी, आपको एयरपोर्ट पर जाना होगा, आपका फ्लाइट निकल जाएगी लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पाइएगा, सुबह निकलना पड़ता है शाम का ट्रेन या फिर फ्लाइट पकड़ने के लिए। बाकी अभी आप लोग पुल देखिए, मिलते हैं पुल के ख़त्म होने के बाद ही। पुल अभी काफ़ी लंबा है, मैं वीडियो में कट लगा दूंगा। पुल को पार कर चुके हैं गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं पटना में। और थोड़ा ही दूर आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे एक चेक पोस्ट टाइप का है, जहाँ पर मतलब चेकिंग होता ही है। अगर आप लोग पहली बार पटना आ रहे हैं, दो आदमी है तो दो आदमी का मतलब हेलमेट लगाइएगा ही, हेलमेट रहेगा तो बहुत कम चांस है कि आप लोग को रोके, वरना ऐसे तो आपको मतलब रोकेंगे ही, और फाइन तो चलान लगना ही है आप लोगों का। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देख लीजिए, और जो मरीन ड्राइव है, बहुत सारे लोग मतलब जो नहीं आए हैं पटना, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जिला से है, छपरा सिवानी गोपालगंज से, लेकिन कभी पटना नहीं आए हैं। हालांकि वो दिल्ली गए होंगे लेकिन पटना नहीं आएंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो मरीन ड्राइव, बहुत सारा नाम सुने होंगे आप लोग, इसी पुल के जस्ट नीचे है मरीन ड्राइव। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं लेकिन किसी को रोक नहीं रहे हैं, और मैं तो वैसे भी ऑटो से हूँ तो मुझे तो ऐसे भी कुछ दिक्कत है नहीं। अब मैं पूरी तरह से पटना में एंटर हो चुका हूँ, और ये ऑटो जो है वो जाती है दीघा तक। बगल वाला जो रोड है वो है नेहरू पथ, तो हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग सीधा जाएंगे क्योंकि जाना है दीघा। आगे से सेम वैसा ही एक और रोड दिखेगा तो वो जाता है पटना एम्स के तरफ, तो हम लोग वहाँ भी नहीं जाएंगे, हम लोग को जाना है दीघा। हालाँकि अभी पाटलिपथ दिख नहीं रहा है, आगे ही है, और ये रहा पाटलिपथ। यहाँ से आप लोग सीधे जा सकते हैं एम्स के तरफ। और अब मैं भी अपने डेस्टिनेशन के पास आ चुका हूँ, क्योंकि ये ऑटो जो है ये दीघा तक ही जाती है, वहाँ से मुझे दूसरा ऑटो लेकर कहीं और जाना है। आगे जो रोड है वो दानापुर और गांधी मैदान वाला रोड है। तो वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैं देखता हूँ, अगर हो पाता है तो मैं आप लोगों को गोलघर और पटना का चिड़ियाघर भी दिखाऊँगा ज़रूर। मिलता हूँ बहुत ही जल्द।